नमस्ते, मैं शौर्बानी। मेरे सहजे सुस्वादु चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी कोकिला मछली से बने हुए एक्सेप्शनल स्वाद में एक करी। कोकिला मछली बगुला पक्षी जैसा इसका चोंच होता है। इसको माथा और पूंछ को निकाल के अच्छे से धो के नमक हल्दी मिला के रखेंगे। हाफ इंच टुकड़ा अदरक और आधा टमाटर लेके एक साथ ग्राइंड करके रखेंगे पेस्ट बना के। एक ठो कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल के तेल गरम होने के बाद मछली को फ्राई करके निकाल लेंगे। ज्यादा हार्ड फ्राई होना नहीं चाहिए। चार पीस मछली लिया और एक चम्मच फिर से तेल डाल के, सरसों का तेल में ही किया, इसे स्वाद ज्यादा अच्छा बनता है। ये नारियल को छिलका निकाल के डाइस करके काट के फ्राई करके उठा लेती हूँ। एक छोटा सा आलू लिया, उसे भी डाइस करके काट के फ्राई करके रखेंगे। छोटा सा एक प्याज स्लाइस करके तेल में फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद वो अदरक और टोमेटो पेस्ट देके आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर देके अच्छे से इसे भुनेंगे। जब तक न तेल निकल आए, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी आधा छोटा चम्मच देके एकदम तेल निकल आया। अभी वो फ्राई किए हुए नारियल और आलू देके एक मिनट तक भुनेंगे। लो फ्लेम में रख के भुनेंगे, नहीं तो जल जाएगा मसाला। ml लगभग पानी दिया, बबल आने के बाद फ्राई किए हुए मछली को देके ढक्कन देके मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए उबालेंगे। 5 मिनट बाद देखिए कितना अच्छा ग्रेवी बन गया। इसमें कोई हरा मिर्च या धनिया पत्ता कुछ देने की जरूरत नहीं, सिर्फ नारियल फ्राई का फ्लेवर में ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। ये पूरा मेरा अपना रेसिपी है, आप भी इसे बना के खाइए और चावल के साथ खाइए तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा और आपका गुड फीलिंग्स मेरे को जरूर बताइए। मैं आप पे ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आपने मेरे रेसिपीज को पसंद किए हो, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो। धन्यवाद।